कबड्डी रहनुमा है अनायतुल्ला साहब, उनके बारे में कुछ मैंने सर्च भी किया तो उनके बारे में वीडियो है। अनायतुल्ला वजीर साहब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से खिदमत अंजाम दी हैं। मैंने जज्बा के तहत डिप्टी स्पीकर से पहले भी हम लोगों का खिदमत करते चले आ रहे हैं। डिप्टी स्पीकर में उस वक्त एम पी ए फंड इतना नहीं था, सिर्फ 25 लाख, मगर रेगुलर ई डी पी से मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से मैंने काम किए हैं। चश्मा चोजी में दो बड़े पुल बनाए गए और यहाँ सराहुलगी रोड नवा के नीचे लेकर सराहुलगी तक रोड दो बड़े पुल बनाए गए और कोतकुतु में एक अच्छा डैम बनाया गया जिसमें जितना भी बारिश हो जाए वो पानी जज़ब करके जाता है ज़मीन में कि बिलों को फायदा पहुँचता है। और उसके अलावा मैं ये अल्लाह को अजर नाजिम करके खिदमत बिला इम्तियाज की है, चाहे जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हो, हमने ये नहीं देखा ये किस कौम से। जी अजय साहब, मैं एक में इस सवाल ये करूँगा कि यहाँ क्वेटा में कबायली जो इलाके हैं ख़ास तौर पे क्वेटा के गिरदोनवा में, उसमें ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा कबीला जो है काठरबाजी है, जो को तकतु के दामन में वाक़ है या को तकतु के पार भी सारे बाजी हैं। और उसके अलावा रास्ते में आते थानी शहर में है, नवा किले में बाजी है, एयरपोर्ट में बाजी है, उमर में भी किले उमर में भी आपको बाजी मिलेगी। एयरपोर्ट रोड पे आगे जा कर के फिर करक में खलाक में भी आपको बाजी मिलेंगे। और उसके अलावा मगरबी हिस्सा जो है नौसार सब बाजी है, वहाँ को मसलम पहाड़ तक ये सारे बाजी 10-15 गांव आबाद है, जो जैसे अभी तक महरूम है कोयटे ज़िले का लोग हैं। तो काखड़बाजी सबसे पहले नंबर पर बड़ी कौम आबाद, दूसरे नंबर पर काशी कबीला है, वो भी यहाँ पे आबाद है। हम वो अब क्या नाम है शावाणी कबीला सजाव कुछ भी वो भी थे यहाँ के ये लोकल लोग हैं, आबाद से आबाद है। इसमें मैं अनायतुल्ला बाजी साहब, ये कबायल का तो आपने बताया, इसमें आप क्या महसूस करते हैं कि हम कौन से इनके बाद बेहतर इकदाम किए जाएँ, या जो इलाके हैं जैसे आपके दौर में आपने काम किए, पहले तो ये बताएं कि आपने क्या काम कैसे किए और कितने काम वहाँ पे सर अंजाम दिए और उसके बाद आप क्या देखा कि शीतों को जेल दिया, शीतों मुलाजमत किया, शीतों डैम दिया, यानी हर शोबे में नफसी का काम पड़ता नहीं दिया। और जब यहाँ पर ख़ास ज़रूरत है तालीम का बजट ज़्यादा होना चाहिए। कोयटे का आबादी इसलिए अभी ज़्यादा हो गए कि आस पास के लोग जो है सब कोयटा मुंतकिल हो रहा है, यार यहाँ पर गई से बिजली सहूलत इस खातर, या ख़ास तौर पर नज़दीक अफगानिस्तान से भी बहुत लोग आए हैं, यहाँ पे आबाद है, मुख्तलिफ कबीले के लोग हैं, तो उसमें भी मुख्तलिफ कबीला होता है। एक तो सिर्फ अपने आप गंजी कहते हैं, गंजी के अंदर बहुत सी शाखें हैं, तो ये कौमी आबाद है। और दूसरा सबसे पहली बात मैं करता हूँ कि उस वक्त कामयाबी आपको इस आवाम को मिलेगा कि आवाम ये सोचे कि हम अपना वोट पैसों से न बेचें। जिन्होंने पैसों से वोट लिया, जिसने पैसों से वोट खरीदा वो अब खिदमत नहीं कर सकता, उससे पहले अपने खर्चे पूरा कर रहे हैं, फिर उसके बाद मुस्तकबिल के लिए भी वो समझते हैं कि शायद मुझे ज़्यादा खर्च करना पड़े, फिर बाद में कुछ बचा आपकी खिदमत भी करें। तो हम कहते हैं कि न टिकट पैसों से इंसान खरीदे, जिन्होंने खरीदा है वो हारे हैं,
और बेचे वोट पैसों से खरीदे, न कि कामयाबी के लिए हम कामयाब हो जाए पैसे खर्च करें, वो भी कामयाबी हम नहीं समझते। कामयाबी वो है कि अल्लाह ताला सबको देखा है, इंसान जिस तरह से नियत करता है उसी तरह अल्लाह ताला उसकी नियत के साथ चलता रहता है। मैं कहता हूँ कि हम लोगों में अल्लाह ताला इत्तेफाक बिठा दे और सब्र से काम दे, लालच जिंदगी में न रहे। अनातुल्ला वज़ई साहब का कहना यह है कि जो खलाई काम किए जाएं वो बेहतर अंदाज में किए जाएं, और इसके अलावा ये कि जो मुखलिस लोग हैं उनको मुंतखब किया जाए, और जैसे कि करप्शन और पैसों की वजह से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो काम सही तरह से अंजाम नहीं दे सकते। इन्होंने मेरा जैसे हार्ड वर्किंग पीपल का मेरा टॉपिक है, तो उसमें मैं ख़ास तौर पे अनातुल्ला वज़ई साहब के पास इसलिए आया था कि इन्होंने बहुत से काम किए हैं यहाँ पे, फलाही काम किए हैं और बेलोस काम किए हैं, और डिप्टी स्पीकर के तौर पे भी रहे हैं, और इसके अलावा इलाकों में ये कबायली इलाकों में मुख्तलिफ जो हमारी जैसे किली होते हैं जिसको गांव कहते हैं उसमें भी जाके इन्होंने काफ़ी काम किए हैं, सराबुर्गी का है जैसे, और जो नौसार में है, और अभी आजी साहब को मैं पूछूँगा फिर वो बताएँगे इसके बारे में। ख़ास तौर पर सेहत और तालीम जो है उसमें भी बहुत काम यहाँ पे होने चाहिए, और उन्होंने काम किए भी हैं, फिर इनसे पूछेंगे अनातुल्ला साहब से उन्होंने क्या काम किए हैं और उसमें मज़ीद क्या काम होने चाहिए, और फलाही तौर पे इन्होंने जो काम किए थोड़ी सी पहले रोशनी डालेंगे। और सेहत और तालीम जो है ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पे पसमानदा इलाके हैं, बलूचिस्तान एक पाकिस्तान के सूबों में से एक पसमानदा सूबा है, ये सबको पता है, और पाकिस्तान में जितने भी 3 सूबे हैं उनकी तरक्की का ग्राफ ऊपर है और इस बलूचिस्तान की तरक्की का ग्राफ बहुत नीचे है। और इसमें यही है कि जो फलाही तौर पे जो कबाइली रहनुमा हैं या जैसे बेलोस अफराद हैं उन्होंने काम किए हैं तो उससे ये मुल्क आगे बढ़ रहा है और ये सूबा भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुमलिकत का इदारा है वो भी इस बारे में जो है मज़ीद इकदाम करें, और उसके अलावा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है पैसा। हर जगह पे बेसिक हेल्थ सेंटर होना चाहिए, हर जगह पे लोगों को सेहत का मामला हल करने के लिए गरीब लोगों को तो किसका है, उम्र क्या है, कि अनोड क्या है, खुला क्या है, और सब कुछ है उनको उसी जगह में सरियाब चाहे उधर ही उनको बड़े बड़े अस्पताल बना के देना। और जो हमने इस्तेमाल की है, मैंने कहा था कि अब मैं अगर आप पहले बताते तो मैं इधर जिस बताता था शायद एक घंटों से बोलता रहा कि मैंने लोगों का कम से कम छोड़ा है। जब मेरे पास कोई आया है मैंने कभी भी उनको इनकार नहीं किया, चाहे डिप्टी स्पीकर में हो या उससे पहले हो या उसके बाद हो, या खिदमत कमेटी में हम रहे वैसे थे कई मकान चेयरमैन थे जो तत्काल से लेकर चमन तक निर्भलाम क्या खिदमत की। हम ये पैसों का काम न जानते हैं न समझते हैं, न पैसा कभी दिया किसी को, न किसी से पैसा लिया है, कि हमारा ज़मीन आपको जाकर को देता है। अल्लाह हमें वो तौफीक दे सब मुसलमानों को, सब पैसे वालों को, फिलहाल उसका जहर ख़त्म हो जाए और सियासत खिदमत के हर छोड़ने में काम किया। फिलहाल में मैंने बिजली दिया, पानी दिया है, और वहाँ पे हमने गैस दिया है जमीन तरफ गर्मियों में, इसी को सड़क दिया है, और इसी तरह ये अस्पतालों के लिए मद में जहाँ मुझसे हो सकता हर जगह जो मुझसे हो सकता मैंने किया। सरिया में मैंने अब उसी का स्कीम देते रहे, जो सरिया बने लोग आते थे बलोच लोग ये भी कहते थे कि ये पठान है बलोच, तो समझते थे कि हमारे लिए बच्चे थे। हमें वहाँ पे एक मौलाना साहब था जिसका इंतकाल हो गया ये सरियाब की तरफ, उसने मुझे बुलाया वाजी एक दफा जाओ मेरे मदरसे में। उसके बाद उसने मुझे पूछे कि आप भी कहेंगे क्यों मुझे बुलाया, आपने देखा और लोग थे कॉन्फ्रेंस में बलोच, वो कहते हैं कि आप लोगों ने क्यों
ऐसी बाजी की मदद की जो पठान, मैंने कम ये बाजी मुंतखब नहीं किया, एक मददगार बंदी को मुंतखब किया। पंजाब ऑफिस स्पीकर को बुलाओ, हम डिप्टी स्पीकर को बुलाते हैं, वो स्पीकर को ना बुला सकते, मैंने आपको बुलाया, आप आए, प्याला चेक किया, सब साथ मिला, वापस चले गए। ये आप क्या समझते हैं कि इसमें बेहतरी कौन सी लाई जाए? बेहतरी सब लोगों में ये सोच होना चाहिए, ये एहसास उसमें होना चाहिए कि भाई हमने उन लोगों को मुंतखब करना है कि वो आगे से हमारे दूसरों के काम आए। खाली इंसान खबरों मकसद नहीं है कि मेरा काम करे, बंदो वो मुंतखब करो जो दूसरों के भी काम आए। हार्ड वर्किंग पीपल मेरी वीडियोज़ हैं, उसमें जो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, भलाई काम किए हैं और बेरोज काम किए हैं, उनके बारे में, कोपेनहेगन में जितने लोग रहते हैं उनके बारे में मैंने बताया। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में, ये ख़ासतौर पे सूबह बलूचिस्तान और कोयटा के शहर में मैं बैठा हूँ, तो वहाँ पे चाहते हैं कि मज़ीद ऐसा हो कि लोग भी बेहतरी की तरफ आए। उसमें जैसे पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमें पता है कि पाकिस्तान के जैसे तीनों सूबे हैं उसमें तरक्की का मेयार या ग्राफ क्या है, तो उसके बाद बलूचिस्तान का सबसे आखिर में ग्राफ आता है। और हालांकि यहाँ पे वसाइल हैं लेकिन उसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, जाहिर बात है कि उसका इस्तेमाल सही नहीं किया जाता है। तो ऐसे मुखलिस लोग जो हैं, जब उन्होंने काम किए हैं तो उसकी वजह से, या यहाँ पे जो फलाई काम करते हैं लोग उनकी वजह से यहाँ पे बेहतरी आई है। तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, उसको मुख्तसर मैं करता हूँ। नायतुल्ला साहब ने काम काफ़ी किए हैं और ये है कि बलूचिस्तान में मादरियात बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान में ये होना चाहिए कि जो कारखानेदार लोग हैं, कारखाने का तौकीफ रहते हैं, इन्वेस्टर लोग, वो आगे बढ़े आए, हम लोग खिदमत के लिए उनके साथ हैं और उनकी दफा भी करेंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे। मगर अफसोस की बात ये है, कुछ ना समझ लो, पाकिस्तान में दूसरे मुल्क का झंडा उठाता है, ये हमारा ज़मीन भी बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे, पाकिस्तान रहेगा तो हम इज्जत से रहेंगे, पाकिस्तान न हुआ तो हम भी इज्जत से नहीं रहेंगे। हम ये कहते हैं इनके लिए इन्वेस्टर को आने चाहिए आगे और हम खिदमत के लिए तैयार हैं ताकि यहाँ पर खादिम मजलूम हो, यहाँ पर पहुंचे में बहुत लोग हैं खादिम लोग, जिस खिदमत के लिए उनके दफा के लिए तैयार हो गए, वो इन्वेस्टर जाएँ या इन्वेस्टर टेस्टिंग कराएँ, इनमें कौन कौन से माजियात उनको मिलता है, वो माजियात हमारे शबीर मरकज सबको मालामाल करेंगे हमने हमारे तो। क्योंकि अनायतुल्ला साहब ने काफ़ी यहाँ पे काम किए हैं तो मकसद यही था इस वीडियो के बनाने का कि वो, उन्होंने चूँकि काम किए हुए हैं, उन्हें पता है कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है। और यही है कि इसका बनाने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम और जो आवाम है उनको भी बताएं, या जो लोग इसको देख रहे हैं वो भी ये महसूस करें कि इलाके जो है उसकी बेहतरी के लिए ये होता है कि आवाम को भी कुछ सोच समझ से काम लेना चाहिए, उनको अपने शऊर को भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक वो मदद नहीं करेंगे और अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने शऊर को इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने आप को बेहतरी की तरफ नहीं गामजन करेंगे तो ये, हम जो खिदमत करते हैं मुलाजमतों में, हमने ये नहीं देखा कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। हर बंदे जो मेरे पास आया, जल्दी दिल उठा करके आए हैं, उस बात का देखने किसी को लगाया, किसी का अगर नहीं हुआ, मैंने अपने तरफ से खिदमत की कोशिश की है। एक चीज़ जो मेरे तौकीफ में नहीं हो तो क्या हो, डिप्टी स्पीकर में मिनिस्ट्री तो नहीं है कि हम कोई डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं, डिप्टी स्पीकर तो असम्बली तक महदूद, मगर वहाँ पर फिर भी हमने जो खिदमत किया है वो अल्लाह को मालूम है, बलूचिस्तान के आवाम को पता है। कोई नहीं कह सकते हैं कि बाजी ने मेरा काम पेशन से करवाया, और कोई ये नहीं कह सकते हैं बाजी ने मेरे साथ खिदमत का जज्बा नहीं किया। और एक आपको बताएगा बाजी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे, बहुत मेहरबानी।